Hello, hello friends. Again, welcome to my channel JK Vision. आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मूल पाकिस्तान के कैसे शहर के बारे में। देसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। इसे शहर में आपको दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद देखने को मिलेगा और इसे शहर में आपको देखने को मिलेगी दक्षिणेशा का सबसे बड़ा मॉल। यहाँ के ऊंची ऊंची बिल्डिंग इसे शहर को पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर बनाते हैं। साथ ही इसे शहर को पाकिस्तान के आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ के बिरयानी माशाल्लाह, यहाँ के लोगों को बहुत ही मेहनती और सजजन माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस आपको यही देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर कराची के बारे में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि इसे शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहां आपको 3900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिल जाएंगे। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, इसलिए यहां के सड़क अलग अलग समय के वास्तुकला से भरी हुई है। नेशनल म्यूजियम, मैरिटाइम म्यूजियम, गंधाला सिविलाइजेशन, मोहत्ता पैलेस और मजारे कुवैत यहां आने वाले पर्यटकों को काफी लुभाते हैं। यहां के लोग भी अपने यहां आने वाले पर्यटकों अच्छे से ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान का कराची एकमात्र ऐसा शहर है जहां देश का सबसे बड़ा शहरी हिंदू, ईसाई, प्राचीन, पारसी और बोहरी समुदाय है। कराची के लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती है। ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है अपने यहां की खूबसूरत कुनियों के लिए। यहां की लड़कियां बहुत ही शांत और तहजीबदार होती है। पर पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होते हुए भी कराची के रहने वाले एक पाकिस्तानी ईसाई व्यक्ति परवेज जहेंद्री गिल ने कराची के गोरा कब्रिस्तान में 140 फीट लंबा क्रिश्चियन क्रॉस बनाया और इस क्रॉस को ईशा का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस माना जाता है। कराची को जायकादार और मसालेदार खाने के लिए जाना जाता है। सैलानियों के लिए सबसे खास और सबसे पॉपुलर डिश है क्या की शानदार बिरयानी। बिरयानी को विदेशियों में रहने वाले लोगों ने भी खूब अपनाया है। ये बनाने में सरल और पौष्टिक होता है और अक्सर चावल या सब्जियों के साथ खाया जाता है। बिरयानी मांस, मसालों और जड़ी बूटियों के परतों से बने होती है। साथ ही हलीम एक पाकिस्तानी मांस और चावल का स्ट्यू है, जिसे गेहूं, जौ, दाल को मसालेदार मांस मिश्रण में मिलाकर बनाया जाता है। कराची शहर में एक पंचमुखी हनुमान टेम्पल है, जिसे बहुत चमकारी माना जाता है। ये मंदिर अपने आप में अलग और अनोखा है। कराची के इस हनुमान मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की पंचमुखी हनुमान मूर्ति हजारों सालों पुरानी है और जिस जगह पर ये मंदिर है वहां से 11 मूर्ति मिट्टी हटाने पर ये पंचमुखी हनुमान मूर्ति प्रकट हुई थी। कुछ जगहों पर उल्लेख मिलता है कि भगवान राम भी इस जगह एक बार आ चुके हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है कि इस मंदिर का और इनके ज्ञाने का भी संबंध है। पर रसल माना जाता है कि मंदिर में भगवान हनुमान की ज्ञाने परिक्रमा लगाने पर भक्तों की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। कराची शहर को रोशनी का भी शहर कहा जाता है क्योंकि यहां की नाइट लाइफ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। आपको शहर यकीन न हो, लेकर यहां रात भर देशी और विदेशी पर्यटक का पार्टी चलती रहती है। ये शहर की संस्कृति और आधुनिकता को समेट हुए वक्त के साथ आगे बढ़ा रहा है। कराची शहर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं। ये लोग कभी भी अपने दिल की बात खुलकर किसी के साथ नहीं कर पाते हैं। इन्हें हमेशा ये लगता है कि कहीं मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी न हो। आपको ये लोग अपने लोग के लोगों के बारे में परेशानी खुल करते हैं और आपको ये लोग हमेशा हंसते हुए ही नजर आएंगे। कराची में बनने वाली ग्रैंड जामिया मस्जिद पाकिस्तान के सबसे बड़ी और दुनिया के सबसे तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में एक बार में एक साथ 8 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अब इस मस्जिद में 150 गुंबद हैं और एक मीनार बनाई जा रही है। इस मस्जिद में आपको मुगल, अरब, पारसी और तुर्की वास्तुकला की झलक देखने को मिल सकती है। अगर आप कराची के शहर पर हैं तो ये शहर आपके शॉपिंग के लिए सबसे परफेक्ट जगहों में से है। क्या आपको पता है कि दक्षिणेशा का सबसे बड़ा मॉल आपको कराची में ही मिलेगा? कराची का लकी वन मॉल दक्षिणेशा का सबसे बड़ा मॉल है। कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे एशिया में सबसे बड़ी है। इसे शहर में आपको हजारों के संख्या में रोल्स, बसेस, मिनी बसेस, ट्रक्स, रिक्शो और एरिक्शो दिन भर चलते मिलेंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कराची के लोगों को पाकिस्तान का सबसे मेहनती माना जाता है। यहाँ एक सर्वे में इस बात का पता चला है कि यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 12 घंटे की मेहनत करते हैं।
साथ यहाँ के लोग बिना शिकायत करे अपने काम समय पर खत्म करना पसंद करते हैं। तभी तो कराची के लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि इनके पास स्किल की कोई कमी नहीं और मेहनती तो ये शिरपू से ही है, ऐसे में इनका काम हमेशा चलता रहता है। कराची रहने के लिए दुनिया की सबसे सस्ते शहरों में से एक है। वार्षिक वर्षा करीब 250 मिलीमीटर है, जिसका अधिकतम हिस्सा मास्तू में होता है। कराची में गर्मी का मौसम अप्रैल से अगस्त तक होता है और इस दौरान वायु में आर्द्रता ज्यादा रहती है। नवंबर से फरवरी माह में सर्दी का मौसम माना जाता है। दिसंबर और जनवरी शहर में सबसे ज्यादा आरामदेह मौसम महीने हैं और इस वजह से शहर में इन दिनों सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। अगर आप कभी जाओ कराची घूमने के लिए हासे तो इस समय ही जाना। कराची अपनी उत्कृष्ट मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। हरे कवों के साथ जिंदा मछली यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको बता दे कि कराची के रेतीले समुद्र तट पर अंडे देकर हरे कवे सालाना प्रजनन करते हैं। तो ये था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रोखा शहर कराची। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।